वेल तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जे ऊसो को भाई यहाँ पर क्यों यहाँ पर इस तरीके से धोखा दिया गया, इसके पीछे का रियल रीजन क्या है, जिमी एंड जे ऊसो को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, रोमन रेंस को लेकर, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। ओके सो चलते फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं भाई जे ऊसो एंड रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा जिमी ऊसो को लेकर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई जे ऊसो और जिमी ऊसो इनके बीच में सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस के साथ में मनी इन द बैंक में टैग टीम मैच देखने को मिला था और काफी अच्छा खासा मैच था जहां पर दी ऊसो ने जीता था। एंड जीतने के बाद देन रोमन रेंस का अटैक देखने को मिला था जिमी के ऊपर। एंड इसके बाद जिमी जो कि कुछ दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब थे एंड यहां पर जब हमें यह मैच देखने को मिला रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो का एट समर स्लैम 2023, इस मैच के अंदर हमें काफी कुछ बड़ा बवाल मचते हुए दिखाई दिया। जिस मैच के अंदर सोलो सिकोवा रोमन की हेल्प करते हुए दिखाई देते, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई सोलो ही रोमन पे अटैक कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिलता। एंड यहाँ पर ब्लैक हुडी के अंदर एक बंदा देखने को मिलता है जो कि जे ऊसो को पिन करने से खींच देता है और यहाँ पर फिर जे ऊसो के ऊपर अटैक देखने को मिलता है और वो बंदा कोई और नहीं, वो सुपरस्टार थे जिमी ऊसो, यानी कि उनके खुद के भाई वो अटैक करते हुए दिखाई देते हैं जे ऊसो के ऊपर, यानी कि जिमी का अटैक देखने को मिलता है जे के ऊपर और यहाँ पर बिट्रेल कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ा बिट्रेल था, डेफिनेटली उनको लगा नहीं था और ना ही कोई यहाँ पर सोच रहा था कि हमें ये बिट्रेल देखने को मिलेगा कि जिमी वो यहाँ पर जिमी ऊसो हेल्प कर देंगे रोमन रेंस की और बिट्रेल कर देंगे जे ऊसो के साथ में। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा ही कुछ देखने को मिला है और रोमन रेंस अब फिलहाल के टाइम पर ब्रेक लेते हुए दिखाई देंगे 2 महीने का, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। इसको लेकर पहले भी अपडेट आई है, बैक एंड फास्ट लेन के अंदर रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, डायरेक्टली हमें क्राउन ज्वेल के अंदर पॉसिबली देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में यहां पर 2 महीने चलाने के लिए एक ऐसी फ्यूड भी तो होनी चाहिए जो कि इन सारे पेपरव्यू को हेडलाइन करे और इंटरेस्टिंग जो ब्लड लाइन की चल रही है स्टोरी लाइन, इसके अंदर सबका ध्यान केंद्रित रहे। तो इस वजह से यहां पर ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले जिमी एंड जे ऊसो के बीच में, इनकी जो फ्यूड है वो अब आगे चलते हुए दिखाई देगी। रोमन रेंस थोड़ा रेस्ट पे देखने को मिलेंगे, हो सके तो एक आधी स्मैकडाउन और रॉ में आ जाए, लेकिन फिलहाल के टाइम पे रोमन रेंस अब हमें रेगुलर थोड़ा नहीं देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर कुछ ऐसा स्टोरी लाइन सोच रही थी कि ये 2 महीने मतलब कंटिन्यू रखा जाए ब्लड लाइन की ये वाली स्टोरी लाइन को। तो ऐसे में यहां पर इन्होंने ये ट्विस्ट एंड टर्न सोचा जहां पर जिमी को अटैक करवा दिया जे ऊसो के ऊपर। अब जे वर्सेज जिमी हमें यहां पर आने वाले पेपर व्यू के अंदर देखने को मिल सकता है जहां पर जे ऊसो वर्सेज जिमी ऊसो का एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, यानी कि ये दोनों सुपरस्टार रसल करते हुए दिखाई देंगे दोनों भाई आपस में। और सोलो सिकोवा का भी इसी के अंदर काफी बड़ा योगदान हमें देखने को मिल सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा कुछ हमें यहां पर प्रोबेबली करते हुए दिखाई दे सकती है। तो यही एक काफी बड़ा रीजन हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर जिमी ऊसो की तरफ से धोखा दिलवाते हुए दिखाई देती है। और बात यह भी है कि भाई काफी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देने ही थे स्टोरीलाइन के अंदर, तो यह भी एक काफी बड़ा वे चूज करते हुए दिखाई देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई कि भाई जे ऊसो को एकदम लाचार दिखा दिया जाए और वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो की फ्यूड आने वाले समय में चलते हुए दिखाई देगी। रोमन रेंस करंटली ब्रेक के बाद देखने को मिलेंगे, तो देखते वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है। आपका क्या ओपिनियन है भाई, जिमी वर्सेस जे देखना चाहोगे या फिर नहीं देखना चाहोगे, ये कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी यार तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में, वहां पर फॉलो कर लो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।